मेरे परी, इतना बड़ा तूफान खड़ा करके ये क्या निकाला है? यह अचूक अस्त्र है, अब बालवीर इसके वार को नहीं रोक पाएगा। अरे एक और बार कर 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 हो जाएगा। अरे हुआ तो हुआ, तो हुआ। कर कर हाँ हो जाएगा। अरे अरे यार, इतनी देर से ट्राई कर रहा हूँ, बैलेंस ही नहीं बन रहा है। गोबू, उंगली पर न जाने के लिए बैलेंस नहीं टैलेंट चाहिए होता है, जो तेरे पास बिल्कुल अवेलेबल नहीं है और मेरे अंदर कूट कूट के भरा है। ये देख, देखा जादूगर हवा में फूल निकालता है, पर मैं जादूगर तो नहीं हूँ, इसलिए मैंने चिप्स निकाला और फूल में खाता नहीं। वाह चिंटू वाह, तुमसे अच्छा जादूगर तो कोई हो ही नहीं सकता। थैंक यू विवान। और उस टीटर जादूगर की पोपट कैसे करनी है पता है मुझे। चिंटू का खेल बदल हो जाए, चलो चल। क्या हुआ? अगर चिंटू को भूख लगे तो चिप्स की जगह पेंसिल भी खा लेगा। और एग्जाम के टाइम पे बुक्स भी खा लेगा। ए विवान, आजा। ये क्या हो रहा है चिंटू और विवान? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अच्छा स्टूडेंट्स, इस क्लास में न्यू हेड बॉय के सिलेक्शन का टाइम आ गया है, तो अब हेड बॉय के सिलेक्शन के लिए जो भी हिस्सा लेना चाहता है वो अपना नाम मुझे लिखवा सकता है। सर मेरा नाम लिखिए सबसे पहले। चिंटू मिश्रा। ये चिंटू और हेड बॉय, ऐसी पनिशमेंट क्लास को कभी नहीं मिलनी चाहिए। और सर मेरा भी। विवान, और कोई स्टूडेंट जो अपना नाम लिखवाना चाहता हो? चिंटू और विवान, तुम दोनों दूसरे स्टूडेंट से किस तरह से बिहेव करते हो और स्कूल के रूल्स को कितना फॉलो करते हो, इस बेस पे तुम्हें पॉइंट्स दिए जाएंगे और जिसके पॉइंट्स ज्यादा होंगे वो बनेगा इस क्लास का न्यू हेड बॉय। चिंटू, तू यहाँ का हेड बॉय तो नहीं बन पाएगा, मगर काल्लोक में तुझे हेड बॉय जरूर बना देंगे। होगा क्या इस अचूक अस्त्र से? इस अचूक अस्त्र को जिस भी निशाने पर छोड़ दिया जाएगा उस निशाने का नामो निशान मिट जाएगा। तिमनासा, इस अस्त्र को छोड़कर वीर-लोक को हमेशा के लिए तबाह कर लो। रोक सको तो रोक लो अब तिमनासा को बालवीर। ये कैसी आवाज है? लगता है तिमनासा ने कोई शक्तिशाली अस्त्र छोड़ा। फिर तो जरूर उसके अस्त्र के निशाने पे वीर-लोक होगा, लेकिन वीर-लोक से पहले तिमनासा के इस अस्त्र को हमसे टकराना होगा। आप सबको तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है परी, तिमनासा के इस खिलौने के लिए मैं ही काफी हूं। जिस तरह की भयानक धमाके की आवाज सुनाई दी है उससे लगता है ये बहुत शक्तिशाली अचूक अस्त्र है। बालवीर, तुम सबको किसी भी मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए।
बालवीर से बालवीर का सर मुझे तोहफे में दिखा जाती है। वाह कमाल है, ख्याल बुरा नहीं है। चिंता मत कीजिए शौर, तिमनासा चाहे 100 चुकस्त्र ही क्यों ना भेजे, मैं वीर-लोक को कुछ नहीं होने दूंगा। ये क्या, ये अस्त्र तो वीर-लोक के ऊपर से ही निकल गया है। वीर-लोक क्या हो गया काल परी, हमारा निशाना चूक क्या, चूक शस्त्र से। तिमनासा, इस अस्त्र को वीर-लोक के बजाय कहाँ छोड़ दिया है तुमने? तिमनासा के छोड़े अस्त्र का निशाना विवान तो नहीं? हमें तुरंत धरती पर जाना होगा। ये लो, सबको चॉकलेट बांट दो और सबको कहना कि सिर्फ चिंटू मिश्रा को वोट करे। जाओ। होश में आया इसकी अकल, वो चाहे पर चलो चल। सॉरी, मैंने आपको धक्का नहीं मारा। हाँ हाँ, तुमने नहीं मारा, मैंने तुम्हें धक्का मारा ना। हो सकता है सर। What? चलो चलो। सर मैं तो बच्चों को टॉफी दे रहा था पॉइंट्स के लिए। क्या तुम पॉइंट्स के लिए स्टूडेंट्स को लालच दे रहे थे? सो सॉरी, तुम्हारे तीन पॉइंट्स कट। सो सॉरी। बालवीर, विवान तो बिल्कुल ठीक नजर आ रहा है, देखो ना कितने जोशो खरोशो के साथ बच्चों के साथ शरारत करने में लगा हुआ है। अरे पार्टनर, डांटना मत प्लीज पार्टनर, मैंने जो भी किया है ना सबकी भलाई के लिए किया है। अगर चिंटू हेडबॉय बन जाएगा ना तो वो सब पे दादागिरी करके होमवर्क ही करवाएगा अपना। तो विवान, तुम हेड बॉय बनकर क्या करोगे? असली हेड बॉय वो होता है जो सबको परेशान नहीं करता, बल्कि वो होता है जो सबका दिल जीतता है। फिकर नॉट पार्टनर, मैं सबका दिल जीत लूंगा। अभी मुझे ना पॉइंट्स मांगने जाना है, तो मिलते हैं बाद में, मिलते हैं। बालवीर, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, अगर तिमनासा ने वो अस्त्र यहाँ पर भी नहीं फेंका है तो आखिर वो गया कहाँ? तो आखिर अचूक अस्त्र से तिमनासा क्या हासिल करना चाहती है? ये क्या है? हीरे मोती का इतना ही चस्का है तो धरती लोग चलते, बाकी दिन जोरी की दुकान लूट लेते, आकाश गंगा में विस्फोट करने की क्या जरूरत है? मूर्ख, ये कोई मामूली हीरा मोती नहीं है, ये बहुत ही अद्भुत मणि है जिसका नाम है वर्तमान मणि। वर्तमान मणि? क्या करना चाहती हो इस वर्तमान मणि से?
हूं मैं तुम्हारा। ब्रह्मा ने बनाया है, लेकिन उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है एक और शक्ति, समय, यानी कि काल। और काल से ज्यादा शक्तिशाली और कोई नहीं हो सकता। अब बस मुझे दो और मणि चाहिए, भूतकाल से और भविष्य काल से, और उसके बाद ये सिंहासन बनेगा महात्रिकाल सिंहासन, और मैं बनूंगी इस पूरे ब्रह्मांड की सम्राज्ञी। इस महान त्रिकाल सिंहासन की वजह से ये काल लोक बनेगा त्रिकाल लोक। मैं इतनी शक्तिशाली हो जाऊंगी कि मैं एक क्या हजारों बालवीरों को मसल कर फेंक सकती हूँ। तिमनासे ये कौन सी चाल चलने की तैयारी कर रही है शौर्य? उसने अस्त्र तो फेंका, लेकिन ना तो उसके निशाने पर धरती थी, ना बालवीर था और ना ही विवान। आखिर उसकी योजना क्या हो सकती है? अचूक अस्त्र की विनाशकारी शक्ति इतनी ज्यादा है, ये एक आकाशगंगा में विस्फोट कर दिया तिमनासा ने। इतना बड़ा अस्त्र तिमनासा यू ही बर्बाद नहीं करेगी। मुझे भी ऐसा ही लगता है। हमने मस्ती परी को काल लोक भेजा है, उनके लौटने के बाद ही हमें पता चलेगा कि इस बार तिमनासा के दिमाग में कौन सी खुराफात चल रही है। लेकिन तिमनासा, भूत मणि और भविष्य मणि में से सबसे पहले कौन सा ढूंढना होगा तुम्हें? भूत मणि,
क्योंकि भूत मणि और वर्तमान मणि मिलने के बाद ही हम भविष्य मणि को ढूंढ सकते हैं। अतीत की बुराई ही पहुंचाएगी मुझे भूतकाल की मणि तक। रानी और नन्ही उंगली की कसम, बताइए ना, पता चल गया क्या कि वो कहाँ है? वो भूतमणि बगदाद में। बगदाद? बगदाद वो इराक की राजधानी। लेकिन वहां पर तो तेल मिलता है महारानी, जिसके लिए धरती लोक की बड़ी बड़ी ताकतें आपस में लड़ रही है। मैं आज के बगदाद की नहीं, हजारों साल पहले अतीत के बगदाद की बात कर रही हूँ। अतीत का बगदाद? ओ मत करो, आगे से पूछो भैरानी से कि वो मणि कहाँ मिलेगा। ये तो जफर ही बताएगा। लेकिन इस जफर से मिलोगी कैसे तिमनासा? वो तो आज से हजारों साल पहले पुराने बगदाद में रहता था, तो अभी वर्तमान काल से भूतकाल में कैसे जाओगी? उसके लिए हमारा काल लोक का बहादुर और वफादार सेनापति है ना, मेहमान। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? त्रिकाल सिंहासन, बगदाद, जफर। विवान, मैं सोच रहा था जब तू हेड बॉय बनेगा ना, तब हम लोग अपना होमवर्क करना ही छोड़ देंगे। क्यों? अरे क्योंकि हेड बॉय तो हमारा बेस्ट फ्रेंड है ना, फिर हम लोग VIP बन जाएंगे और फिर हमारा हेड बॉय अपनी जैक लगवा के दूसरे बच्चों से करवा लेगा हमारा होमवर्क। नहीं गोपू, अगर दूसरे बच्चे हमारा होमवर्क करेंगे तो उनका खुद का होमवर्क कौन करेगा? ठीक है, तो फिर चिंटू से करवा लेते हैं हमारा होमवर्क। इन कीचुओं की इतनी हिम्मत, मुझसे होमवर्क करवाएंगे? मेरे रहते विवान तो हेड बॉय नहीं, बैड बॉय बनेगा। कौन कहता है दाग अच्छे होते हैं? लेकिन स्कूल रूल के हिसाब से दाग अच्छे बिल्कुल नहीं होते। विवान, स्टॉप, इधर आओ। ओह सर, समझ गया, आपने मुझे क्यों रोका है। आप मुझे अभी के अभी हेड बॉय बना देना चाहते हो ना? हेड बॉय नहीं, मैं तुम्हें मुर्गा बनाना चाहता हूँ। तुम्हारी शर्ट के पीछे इंक के दाग लगे हुए हैं। ऐसी शर्ट पहन के कैसे आ सकते हो तुम स्कूल में? सर, ये मैंने नहीं किया है। नहीं, नहीं, ये सब छोड़ो, तुमने स्कूल का रूल तोड़ा है, तुम्हारा एक पॉइंट कट किया जाता है। यस, यस। प्लीज सर, अगर चिंटू हेड बॉय की सिलेक्शन को कुश्ती का मुकाबला बनाना चाहता है तो ठीक है, सलमान भाई और मुझसे जो भी पंगा लेता है उसे भले ही भगवान माफ कर दे, पर हम माफ नहीं करते।
कितनी देर लगेगी? वर्तमान से भूतकाल में जाना है तौबा तौबा, वक्त तो लगेगा। हम तीनों की शक्तियों से भूतकाल में जाने का द्वार तो खुल चुका है। अब जल्दी से जाकर सफर से वो भूतकाल मनी ले आओ। रुको तिम्नासा, मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरे साथ बगदाद जाना है। वो क्या है ना, काल लोक से पृथ्वी लोक और वीर लोक तो तुम्हारा कई बार आना जाना हुआ, लेकिन वर्तमान से अतीत में तुम पहली बार जा रही हो। और मैं नहीं चाहता कि तुम वहां से लौटो तो अपने साथ कोई नई मुसीबत ले आओ, इसलिए चल। अरे तौबा तौबा, एक बार भैरानी को वो भूत मणि और भविष्य मणि मिल गए ना, तो भैरानी पूरे ब्रह्मांड की वो बन जाएगी। अरे महाभैरानी। और अपनी नई शक्तियों के साथ वीरलोक और धरतीलोक की ऐसे पुंगी बजाएगी, ऐसे पुंगी बजाएगी जैसे बालवीर पुंगी बजाता हमेशा हमारे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं तो वो ये तिम्नासा क्या नहीं मुसीबत लाने वाली है बगदाद से।